डन। कहाँ था पूरे दिन से है? बाप। ओए राजनाल आप सीधा सीधा बता। तू बोल के गया था मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ एक घंटे में वापस आया। 8 घंटे के बाद वापस आ रहा है। बता नहीं तो तेरी घटिया में तोड़ दूंगा। कहाँ था? सोच बच्चू सोच, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। स्टडी डैड, मैं स्टडी कर रहा था लाइब्रेरी में दोस्तों के साथ। एग्जाम्स तो 7 महीने के बाद होने वाले हैं, तेरी कहाँ से अभी से स्टडी शुरू होगी है? वो बहुत टफ एग्जाम्स है ना, इसलिए। कॉल कर अपने दोस्तों को। सब दोस्तों को मिस्ड कॉल दे मेरे सामने। कॉल कर। डैड सबको मैंने कॉल कर दिया। देख हेलो। हाँ चपल बोल। चपल नहीं, चपल का बाप बोल रहा हूँ। हाँ ओ चोई साहब, ओ मुझे लगा कि शायद मैं हाँ रहने दे। ओए मैं इसलिए कॉल कर रहा था, मैंने पता करना था कि मेरे बेटे का तुझे कोई पता हो कि वो कहाँ होगा इस टाइम। जी अंकल वो हमारे साथ ही था। हाँ लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था हमारे साथ। आई थिंक 10-15 मिनटों तक शायद घर पहुँच जाए। हेलो। हाँ बकबे। ओ बेअदब बदतमीज इंसान, और तुझे बुजुर्गों के साथ बात करने का अदब नहीं? हाँ चोई साहब, मगर ये तो अब मगर का छोड़। और मुझे ये बता तो मेरा बेटा तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? और चोई साहब वो हमारे साथ ही था, स्टडी करने के लिए आया था। अभी अभी निकला है, आई थिंक शायद बस स्टॉप तक पहुंच गया होगा। कहते हैं तो उसके साथ बात करा दूं। क्या हेलो। ओए दीपशिट, दीपशिट पकड़ा तो नहीं गया? डिपशिट नहीं, डिपशिट का बाप बोल रहा हूं। ओ चोई साहब आप? चोई साहब। ओ चोई साहब इस ना चीज को आपने कैसे आज याद कर लिया? ओए सुन बे ना चीज, और तुझे कोई पता हो मेरा बेटा इस वक्त कहां होगा? चोई साहब पता है वो लाइब्रेरी में है। और वो आपको बता के नहीं गया? बता के तो वो गया था, बोले तो आपको उसके साथ बात करा देता। फोन उठाए। हेलो हेलो चोई साहब, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ। लाइब्रेरी में ही हूँ अपने दोस्तों के साथ। कमीना थोड़ा झूठ बोलो, और तुम्हारा निठल्ला दोस्त मेरे सामने यहाँ खड़ा है। लाइब्रेरी